हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब। ये देखिए, ये चूड़ी है ना, चूड़ी के द्वारा आज हम जो है ब्लाउज में मिसाल लगाएंगे। ये देखिए मेरा कपड़ा है, इस कपड़े की जो है हम चार पर्दों में इसको किए, 1 2 3 4 4 ये हो गया। और उसके बाद जो है हम इसकी लंबाई नापते हैं, इसकी लंबाई हम ले लिए हैं 15.5। और जो ये पीछे का हिस्सा है और आगे का हिस्सा हम लेंगे 16.5। और 16.5 पे हम जो है निशान लगा दें। पीछे के हिस्से से आगे का हिस्सा 1 इंची जो है बड़ा होता है। अब इसकी हम चौड़ाई नाप लेते हैं, इसकी चौड़ाई हम लिए हैं 12 इंची। और अब हम गले की जो है चौड़ाई लेंगे, गले की चौड़ाई हम 2.5 इंची का लेंगे। और 2.5 इंची पर हम निशान लगा दिए ये, और यहाँ से 6.5 इंची का इसकी लंबाई लेंगे। ये देखिए 6.5 इंची पे हम निशान लगा देते हैं। उसके बाद कंधा लेंगे हम 3 इंची का, ये 3 इंची पे निशान लगा देते हैं। उसके बाद इसकी लंबाई लेंगे हम 5.5 इंची का, 5.5 इंची की लंबाई निशान लगा के हम इसको यहाँ से यहाँ तक निशान लगा देंगे। और यहाँ इसको जो है 1.5 इंची पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंची पर गुलाई देते हैं। यहाँ से इसको हम ये लेके जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ गुलाई देते हुए ये कर देंगे। और यहाँ से इसको हम लेके जाएंगे गले पे, हम जो है 0.5 इंची की गुलाई देते हैं, 1 इंची की गुलाई जो है दे दिए गले पे। ये यहाँ से यहाँ तक गुलाई दिए, और उसके बाद जो है हम कपड़े को काट लेंगे। ये यहाँ से इसको गुलाई देते हुए इसको हम काट लेते हैं। ये मेरा कट गया, अब इधर से ये गुड्ढे का हम काट लेंगे। यहाँ से इसको हम अपना जो है कपड़ा काट के निकाल लेते हैं। और यहाँ 1 इंच ज़्यादा था लंबाई, यहाँ से इसको 1 इंच काट लेते हैं। और यहाँ से इसको दोनों पार्ट को हम अलग कर देते हैं। पीछे का हिस्सा है, इसको जो है हम निकाल के बगल कर देते हैं। अब इस पे हम जो है चूड़ियों के द्वारा निशान लगाएंगे। ये ब्लाउज में जो है आगे हम 12.5 पे 12.5 के पास निशान पहले लगा देते हैं। हम ये देखिए यहाँ पे निशान लगा देंगे, जो है यहाँ नीचे से यहाँ पर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये 4 यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पीछे जो है 3 पे लगाएंगे। और इसको हम ऐसे गुलाई देते हुए यहाँ पे इसको ऐसे गुलाई देते हुए यहाँ पर लाके ऐसे जोड़ देंगे। और यहाँ पर हम जो है 3.5 पे प्लेट डालेंगे, 3.5। और यहीं पर हम अपना चूड़ी रखेंगे, और ये चूड़ी का निशान यहाँ से इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ से यहाँ लगाएंगे, और इसको यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ तक बिल्कुल सीधे। और ये पार्ट जो है हम अलग कर देते हैं। बाहीं की कुल लंबाई जो है 16 से 18 तक होनी चाहिए, तब जो है हमारा बाहीं अच्छे से सेट हो जाता है। ये 9 पे हम निशान लगा देते हैं। देखिए 9 पे निशान लगा देंगे, और इसकी लंबाई जैसे जिसको जितनी लंबाई लेनी हो हम यहाँ पर लेते हैं 7 इंची की लंबाई। और इसको जो है यहाँ पर हम यहाँ 7 लेंगे, और यहाँ पर 4 पे यहाँ निशान लगा दिए। और यहाँ से ऐसे इसको ले जाके ये यहाँ से ऐसे इसको कट कर लेते हैं।
3.5 इंची का वो हुक की पट्टी लेंगे और 3 इंची का और काजू बना लेते हैं हम रेडी करते हैं दूसरा कपड़ा काटते हैं फ्रेंड्स अगर हमारी ये स्टाइल आपको जो है पसंद आए चूड़ी द्वारा जो निशान लगाने की तो हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा थैंक यू।